मेरा पर्पस था बताना कि उमरा टूर पैकेज में क्या होता है और वहाँ आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब हम पहली बार जाते हैं तो बहुत सी चीज़ें हमारे लिए नई होती हैं। अगर हमारा माइंड पहले से प्रिपेयर्ड हो तो जिस मेन मकसद के लिए हम जाते हैं, जो कि है इबादत, वो अच्छे से हो जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको उमरा ट्रिप के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। अगर आप इरादा कर रहे हैं उमरा पे जाने का तो ये वीडियो आपके जरूर काम आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن देखिए, उमरा पे जाने के लिए आप सबसे पहले तो टूर एंड ट्रैवल कंपनीज को कांटेक्ट करते हैं, राइट? यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जिसको भी आप कांटेक्ट करते हैं वो कोई ट्रैवल एजेंट ना हो, मतलब काइंड ऑफ मिडिलमैन, जो क्या करते हैं कि मेन ऑर्गेनाइजर्स के लिए कस्टमर्स लेकर आते हैं। अब ऐसे में वो अपना कमीशन भी रखते हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। अभी 2023 में उमरा इकोनॉमी पैकेज का जो रेट चल रहा है इंडिया में, वो कम से कम 85,000 है। और ये पैकेज यूजुअली 20 डेज का रहता है, जिसमें आपका एयरलाइन फेयर, होटल एंड तीनों टाइम का मील्स रहता है। आप उमरा पैकेज चूज करने से पहले ये पता कीजिए कि आपको कौन सी एयरलाइन से लेके जा रहे हैं और वो डायरेक्ट फ्लाइट है कि नहीं। कई बार क्या होता है कि कोई ट्रैवल एजेंट आपको सस्ता पैकेज दे रहा है, लेकिन उसमें फ़्लाइट इनडायरेक्ट हो सकती है या फिर कोई अच्छी फ़्लाइट नहीं हो सकती है, या फिर होटल जो है वो अल हरम मस्जिद से काफ़ी डिस्टेंस पे हो सकता है। और ये दोनों ही चीज़ें इस ट्रिप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मक्का तक पहुंचने की जो जर्नी है वो काफ़ी लंबी और टायरिंग हो जाती है, क्योंकि आपको एयरपोर्ट काफ़ी पहले पहुंचना होता है। फिर दिल्ली से जद्दा डायरेक्ट फ़्लाइट में 5 घंटे लगते हैं, और फिर जद्दा से मक्का बाय रोड कम से कम 2-3 घंटे तो लग ही जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप इनडायरेक्ट फ़्लाइट से जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ही लंबा जर्नी हो जाएगा और बहुत टायरिंग भी हो जाएगा। और आपको ये भी ध्यान रखिए कि आप एहराम की हालत में होंगे और पहुँचते ही आपको उमरा भी करना होगा। इसके अलावा आपको होटल कौन सा मिलने वाला है इस बारे में भी पहले से पूछिए और ख़ुद से गूगल पे सर्च करिए कि वो कितना दूर है अल हरम मस्जिद से। अक्सर इकोनॉमी पैकेजेस के जो होटल्स होते हैं वो अल हरम से कोई 1-2 किलोमीटर की दूरी पे होते हैं। जो होटल्स मक्का टावर में है, मतलब अल हरम के बिल्कुल नज़दीक, उनका प्राइस भी फिर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो पास में होटल लेना बेस्ट होता है। आइए अब आपको मैं दिखाती हूँ वहाँ के जो इकोनॉमी होटल्स हैं वो कैसे होते हैं। वहाँ पे एक तो आप ये देखेंगे कि होटल्स मोस्टली हर कंट्री की गेस्ट्स के लिए असाइंड है, मतलब एक होटल है तो वहाँ सिर्फ इंडियंस स्टे करेंगे, एक होटल होगा तो वहाँ सारे फिलीपींस के गेस्ट रहेंगे, इस तरीके से। ये रिसेप्शन एरिया रहता है ग्राउंड फ्लोर पे, जहाँ फ्री वाईफाई अवेलेबल रहता है, तो यहाँ बैठ करके आप वाईफाई कॉलिंग कर सकते हैं अपने घर पे, लेकिन रूम्स में वाईफाई सर्विस नहीं होता है। आइए अब आपको रूम अंदर से दिखाते हैं। ये सामने है अटैच्ड बाथरूम, ये एक अलमारी दी हुई है। अब इधर चलते हैं तो ये राइट में बेड्स हैं और लेफ्ट में टेबल दी हुई है। ये जैसे आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होती है। ये बेसिक सा कुछ सामान है जो आप ला सकते हैं चाय वगैरह के लिए। ये छोटा रेफ्रिजरेटर दिया है। ये केटल हम ले गए थे चाय बनाने के लिए, और ये एक्सटेंशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत काम आता है वहाँ। और इसका रीज़न ये है कि वहाँ के जो पावर सॉकेट्स होते हैं वो टाइप जी होते हैं इस तरह के, इसलिए हमारे इंडियन प्लग्स इसमें फिट नहीं होते हैं, इसलिए आपको इंडिया से ही ऐसा टाइप जी अडेप्टर लेके जाना होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर इधर राइट में देखिए तो ये हैं 6 बेड्स, बस इतना ही रिक्वायर्ड एंड लिमिटेड सा स्पेस रहता है। हम 6 लोग थे तो हमारे लिए तो ये ठीक हो गया, मगर मैं सोच रही थी शेयरिंग में ये ज़रूर अनकंफर्टेबल हो जाता होगा। ये सामने एसी लगा है, जिसके बिना तो यहाँ गुजारा नहीं है। आइए अब आपको खिड़की के बाहर का व्यू दिखाती हूँ। हम लोगों का ये आई थिंक 12th फ्लोर था। रूम में आपको टॉवल, सोप, शैम्पू सब प्रोवाइड किया जाता है, सफाई का भी अच्छे से ध्यान रखा जाता है यहाँ पे। और ये अटैच बाथरूम रहता है, ये स्पेस दिया हुआ है नहाने के लिए, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। और ये है होटल की छत, यहाँ धुले कपड़े आप सुखा सकते हैं।
क्लिप्स की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि यहाँ बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं तो कपड़े उड़ जाते हैं, तो आप वहीं से क्लिप्स लेकर भी आइए। और ये है डाइनिंग एरिया। मील्स अच्छा प्रोवाइड होता है, सैलड, वेज, नॉन वेज, रोटी, चावल, और कोई कमी नहीं होती है, आप अच्छे से खा सकते हैं। मगर जो टाइम असाइंड है मील्स का, आपको उस टाइम खाने के लिए आना होता है। और एक ये हॉल रहता है जहां आप नमाज कुरान पढ़ सकते हैं। यहां पे हर होटल में आपको फ्री शटल सर्विस मिलती है अल हरम मस्जिद तक जाने के लिए। इसके अलावा भी वहां फ्री बस सर्विस चलती रहती है। अक्सर आपको फ्री शटल जाते वक्त तो मिल जाती है, लेकिन जब आप मस्जिद से वापस अपने होटल की तरफ आते हैं तो बहुत मुश्किल होती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादातर लोग जो अपना शेड्यूल बनाते हैं काबा शरीफ जाने का और आने का, वो सेम ही होता है। जैसे ज़्यादातर लोग जोहर पढ़ के अपने अपने होटल्स की तरफ निकलते हैं क्योंकि लंच करना होता है, या फिर असर में जाते हैं तो इशा पढ़ के निकलते हैं, तो ऐसे टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा ही क्राउड मिलता है। जैसे आपने शायद सुना ही होगा कि अल हरम मस्जिद में हर वक्त ही कंस्ट्रक्शन चलता रहता है, और ये बस एक्सपैंड और एक्सपैंड हो रही है माशाल्लाह, क्योंकि इतनी तादाद में हर साल लोग जाते हैं। आप जिस गेट से एंटर होते हैं उसी गेट से आप नहीं निकल सकते हैं, और जो गेट्स हैं यहाँ वो भी बहुत ज़्यादा हैं। हालांकि नंबर्स हैं हर गेट पे, लेकिन फिर भी आप वहाँ पे लॉस्ट हो ही जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप वहाँ का सिम लें, और आपके ग्रुप में एटलीस्ट 2 नंबर्स तो लाजमी होने चाहिए, क्योंकि वहाँ अक्सर आदमी और औरतें अलग अलग हो जाती हैं। जैसे ग्राउंड फ्लोर में आदमियों की एंट्री नहीं होती है अगर वो एहराम में ना हो तो, लेकिन औरतों की एंट्री हो जाती है। तो इसलिए अगर आपको किसी दिन सिर्फ तवाफ करना है तो आदमियों को ऊपर वाले फ्लोर्स पे जाना होता है। अगर आप साथ रहना चाहते हैं तो जो औरतें हैं वो भी फर्स्ट फ्लोर से कर सकती हैं, मगर क्योंकि ऊपर का एरिया बहुत बड़ा हो जाता है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एक राउंड ऑफ सर्कल कम्प्लीट करने में। किसी भी मस्जिद की तरह यहाँ मक्का मस्जिद में भी आप वजू तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको टॉयलेट यूज़ करना है तो आपको बाहर निकल के आना होता है, और बाहर निकलने में ही आपको बहुत चलना होता है और काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए कि आप मस्जिद से इन एंड आउट ज़्यादा नहीं कर सकोगे। मक्का और मदीना दोनों ही जगह एक एक दिन ज़ियारत के लिए जाते हैं। सुबह फज्र पढ़ के निकलते हैं तो दोपहर 3 बजे तक वापस आ जाते हैं। मक्का ज़ियारत में जो इस्लामिक हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट पहाड़ हैं, जैसे कि जबले रहमत, जबले नूर, जबले सौर, यहाँ की ज़ियारत है। और हज पे जो मिना और अरफात के मैदान जाते हैं, मकाम कुर्बानी है, मस्जिद निमरा, ये सब जगहों की ज़ियारत होती है। और एक गाइड भी रहते हैं साथ में जो सब एक्सप्लेन करते चलते हैं। इस जगह पर एक दरख्त था तो हमारे पहले आका मस्जिद जिन के पास बैठे थे कफारे मक्का ने कहा अगर ये दरख्त चलकर आपके पास आ जाए हम कलमा पढ़कर मुसलमान होते हैं। इसी तरह मदीना में भी ज़ियारत के लिए हम जाते हैं मस्जिद कुबा, जो कि इस्लाम की पहली मस्जिद है, मस्जिद क़िबलतैन, और भी कई इंपॉर्टेंट प्लेसेस हम विज़िट करते हैं। मस्जिद अल नबवी तो हर दिन जाया ही जाता है। रोज़े रसूल की ज़ियारत के लिए परमिट लिया जाता है और एक दिन असाइन होता है, आपके ग्रुप को असाइन डे पर ही जाना होता है। यहाँ पे लेडीज एंड जेंट्स के लिए ज़ियारत का अलग अलग टाइम रहता है। मस्जिद नबवी के पास ही जन्नतुल बकी है, जो कि इस्लाम का सबसे पहला कब्रिस्तान है। तो ये था मेरा वीडियो अबाउट उमरा ट्रिप। मेरा पर्पस था बताना कि उमरा टूर पैकेज में क्या होता है और वहाँ आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब हम पहली बार जाते हैं तो बहुत सी चीज़ें हमारे लिए नई होती हैं। अगर हमारा माइंड पहले से प्रिपेयर्ड हो तो जिस मेन मकसद के लिए हम जाते हैं, जो कि है इबादत, वो अच्छे से हो जाती है।
मक्का ऐसी जगह है जो कोई एक बार चला जाए तो उसे वहाँ बार बार जाने का दिल करता है। बहुत ही ब्यूटीफुल, पॉजिटिव एंड पावरफुल एनर्जी है वहाँ की। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो और आपको मक्का और मदीना की ज़ियारत जल्द से जल्द नसीब हो। आमीन। अल्लाह ताला करोड़ों मुसलमानों में से आप लोगों को चुन चुनकर अपने घर ले रहे हैं। और जब सबसे पहले दिन आप इस मक्का शहर के अंदर पहुंचे तो आप लोगों का पहला कदम अल्लाह ताला के घर की हुदूद के अंदर लगा। तो अल्लाह ताला का फरमान है कि जब आने वाले का सबसे पहला कदम मेरे घर की हुदूद के अंदर लगता है तो मैं आने वाले के गुनाहों की तरफ नहीं देखता।